नमस्कार, आप देख रहे हैं देशक न्यूज। साथियों, यहां पर एक बड़ा समाचार आ रहा है कोर्ट केस मादे 17,000 को लेकर। आज 27 जुलाई थी और केस लगा था, केस की सुनवाई हुई। क्या कुछ रहा आप स्वयं सुनिए क्या कहा डॉक्टर एपी सिंह साहब ने इस खास समाचार में। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की माननीय चीफ जस्टिस साहब की डबल बेंच में, क्योंकि 27 जुलाई के लिए अनुदेशक वाला मैटर लगा हुआ था, जिसमें अनुदेशक महासंघ, प्रदेश अनुदेशक महासंघ की भी याचिका विक्रम सिंह की तरफ से है, तो से आपकी लगातार माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट उसने सुना। और आज सबसे अच्छी बात रही कि यूनियन ऑफ इंडिया को जो फाइन जमा करना था, उस चीज में यूनियन ऑफ इंडिया ने अनेबल कोर्ट के मांगने पर दिखाई, और ए जी साहब मतलब देश के महाधिवक्ता हैं उनको बुलाया और कहा कि इस तरह से लैक्चर्स कर रही है, राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रॉपर रिप्लाई आ रहा है, जो काउंटर एफिडेविट दिया है यूनियन ऑफ इंडिया ने वो कम्प्लीट नहीं है। लेकिन हमने जो बात रखी वो साफ तौर पर थी कि यूनियन ऑफ इंडिया 60% 40 के रेशियो में अपना अनुदान लगातार दे रही है। 2017-18 के आंकड़े थे, उसमें भी दिया गया है और उसमें पूरा फुल दिया गया, जितना मांगा उतना दिया गया। और उसके बाद जो खर्च नहीं हुआ था, अनएक्सपेंड खर्च ही नहीं हुआ था, उसके बाद भी केंद्र सरकार लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को देती रही है। और इतना अभी भी बिना खर्च किया हुआ अमाउंट भी हर साल का 17, 18, 19, 20, 21, 22 के वो सारे आंकड़े उसको दिए गए हैं, जिसमें अमाउंट जो खर्च नहीं हुआ करोड़ों रुपए अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, जिसे अनुदेशकों को दिया जा सकता है। उसी पर माननीय चीफ साहब ने इस बात को रखा और कहा कि हमें अटॉर्नी ए जी साहब थे, उन्होंने इस पर अपोलॉजी कि हम क्षमा चाहते हैं और हम इसको खुद संज्ञान लेंगे, खुद फाइल देखेंगे और खुद इसकी सारी समस्या का निराकरण करते हुए इस पर बात करेंगे। और अब उसने 17 अगस्त डेट दी है, इस पर सारा लगभग ऐसी आशा और विश्वास करते हैं 17 अगस्त अनुदेशकों वाला मामला, क्योंकि सब सुनवाई हो चुकी है, स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया सबका रिप्लाई आ चुका है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से महाधिवक्ता साहब आ चुके हैं, यूनियन ऑफ इंडिया फाइन होके जमा कर चुका है, काउंटर एफिडेविट आ चुका है, काउंटर एफिडेविट पर बहस हो चुकी है, सारा प्रोसेस अब हो चुका है। और हम आशा करते हैं कि अनुदेशकों का मामला 17,000 इसमें होगा, जिससे इस उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को राहत मिलेगी, क्योंकि आज के समय में अनुदेशक स्कूल से पढ़ाने के बाद कहीं तो बेलदारी करता है, कहीं ई रिक्शा करता है, कहीं मूंगफली बेचता है, कहीं सब्जी बेचता है, कहीं मिट्टी डालता है, तब कहीं अपने परिवार का भरण पोषण कर पड़ता है, और नहीं तो कुछ अनुदेशक तो इस समस्या से ग्रस्त होकर आत्महत्या तक कर लेते हैं।